लेकिन क्या एक्चुअल चीजें देखनी चाहिए वोट देने से पहले देखो कुछ कुछ जगह तो ऐसा है और सदर्न स्टेट में तो ये अब तो फैक्ट हो चुका है कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो दोनों तरफ से सारे फ्री गिफ्ट्स वगैरह भी उठाते हैं और फिर फिर जो जो खुद खुद जहां जो वोट देना है फिर वहीं देते हैं आई आई थिंक दैट दैट इज अ बेटर एम नॉट वी वी शुड शुड टेक एंड मनी लेकिन अगर पार्टीज इतना पैसा लूट के आपको दे रही है फ्री बीज और लेकिन तब आप ले रहे हो विद द नोइंग दैट बॉस दूंगा तो वोट में अपने नॉलेज से तो ठीक है फिर

प्रॉब्लम यह जैसा तुमने पूछा ना कि आदमी पार्टी को वोट नहीं देता इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि आदमी पार्टी को वोट दे रहा है इंडिविजुअल को नहीं दे रहा है तो हम अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको भूल गए हैं विच इज अ पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी अगर आप नॉर्मल आदमी से जाकर इंडिया में और यही होता है कि थोड़ा सा एजुकेशन थोड़ा सा सिविक्स सिखाना जरूरी है अगर मैं आदमी को बोलूँ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पार्लियमेंट्रीट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में फर्क क्या है बता बता दो मेरे ख्याल से आदमी बता नहीं पाएगा और हो यह गया है कि हम एक अमेरिकन स्टाइल ऑफ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बन गए हैं जहां आदमी ट्रंप या बाइडन को वोट दे रहा है मैंने मोदी या जो कि वो चाहते हैं राहुल गांधी को वोट दे रहा है रादर देन एम एल को वोट दे रहा है लोग ये भूल गए हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स थे उन्होंने बहुत सोच समझ के सिस्टम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे कर सकते थे अमेरिकन डेमोक्रेसी वो 150 इयर्स ओल्ड तब भी जब हमारा संविधान बन रहा था राउंड अबाउट उन्होंने ये बोला कि नहीं हम एक सिंगल पर्सन को इतना पावरफुल नहीं बनाएंगे हम एमएलए ए को इलेक्ट कराएंगे एमएलए जिनके सबसे ज्यादा होंगे फिर वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी बैठेगी लेजिस्लेटिव पार्टी फिर एक लीडर सेलेक्ट करेगी वो लीडर जाकर फिर चीफ मिनिस्टर होगा और यूजली ऐसा भी होता है कि उस पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट होता है और जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है और जो सीएम होता है वो अलग अलग होना चाहिए, चाहिए। होता नहीं बहुत बार दूसरी बात है

कि एक टाइम हुआ करता था जब कांग्रेस में हर साल इलेक्शन होते थे हर साल बाय रूल अनदर अनरिटन रूल दैट आप दो बार तीन बार तीन भी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते हो लेकिन नहीं, नहीं बन सकते। बन हो True. आप दो साल बाद आइए तीन साल बाद आइए फिर से बनिए उससे क्या होता था फ्रेश चर्न ऑफ आइडियाज हमेशा होता रहता था, था। लड़ाई झगड़े होते थे ईगो फाइट्स होते थे कुर्सियां टूटती थी जरूरी है लेकिन डेमोक्रेसी था पार्टी में नेहरू के आने में ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन को बंद करवा दिया गया और परिवारवाद की जो प्रथा है वही से शुरू हुई थी और एक अनरिटन जो तुमने कहा ना कि ऐसा ही होता है कांग्रेस कांग्रेस में एक अनरिटन ट्रेडिशन शुरू होने लगा कि पार्टी प्रेसिडेंट इज आल्सो द पीएम पीएम तो नेहरू पार्टी प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी पीएम पार्टी प्रेसिडेंट राजीव गांधी के हाथ में भी दोनों चीजें थी एंड सोनिया गांधी के साथ आपने इतना देखा शी मूव फ्रॉम द पीएम पोस्ट एंड केप्ट द पार्टी टू हरसेल्फ अब जाकर इतने सालों बाद जाकर ये एक अलग हुआ चलो अलग हुआ, हुआ।, हुआ है ऑन पेपर जो भी आप मान लो <laughs> तो इसमें नेहरू की भी गलती है और दूसरे लोगों की भी गलती है कि हमने ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया लेकिन जब आपके घर के सामने प्रॉब्लम होगा जब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम होगा आपका एमपी या एमएलए ही आपको बचाएगा ये बात याद रखना जरूरी है और अब एक साल एग्जैक्टली exactly हम बैठे हुए हैं राउंड अबाउट सिक्सटीन ऑफ अप्रैल एक साल में इलेक्शन है तो अपना वोटर कार्ड चेक करो अपना वोटिंग लिस्ट चेक करो और तुम्हारे एरिया में कौन एम पी है जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है इलेक्शन के लिए सोच रहा है उसको स्टडी करो अल्टीमेटली वही बचाएगा आपकी को वही बनाएगा प्रधानमंत्री आकर नहीं बचा सकते तुम्हारे को